हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे क्रोमैटोग्राफी। जो क्रोमैटोग्राफी होता है, ये आपके दो वर्ड्स के कॉम्बिनेशन के थ्रू बनता है। कौन से दो वर्ड्स? एक होता है आपका क्रोमा, मींस कलर, राइट? एंड ग्राफी का मतलब आपको पता है, ग्राफ। तो ये बेसिकली क्या है, ये एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है। क्या है आपका क्रोमैटोग्राफी? ये है आपका एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक, राइट? जो कि आपको क्यों यूज करते हैं, हम अपने जो डिजायर्ड कंपाउंड है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड्स, राइट? तो ये एक आपका प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, जिसके बारे में आज हम क्रोमैटोग्राफी के पूरे डिटेल्स डिस्कस करेंगे इस क्लास में, राइट? तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप जुड़े हुए हैं मेरे साथ अन अकेडमी के यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक CSIR UGC नेट। This is me here, Divashree. If you want to join An Academy Plus, you can join it with the help of my referral code, that is Deba1. Benefits क्या क्या है An Academy Plus का? Daily live classes मिलती है, structured courses होता है as per the CSIR standard syllabus, live test and quizzes, unlimited access to all the educators at single subscription. एक subscription से आप कोई भी educator से पढ़ सकते हैं, इंडिया के टॉप मोस्ट एडुकेटर से आप क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। अगर हम प्राइसेस के बारे में बात करते हैं, अगर आप 1 month के सब्सक्रिप्शन पे इंटरेस्टेड हो, इट विल कॉस्ट अराउंड 2100। इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 3 months, इट इज अराउंड 5250। अगर आप 6 months के लिए इंटरेस्टेड हो, तो इट इज 9450। एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड फॉर 12 months, इट इज अराउंड 11550। एंड फॉर 24 months, इट इज अराउंड 16800। अगर आप मेरे रेफरल कोड को यूज करते हो Deba1, तो आपको 10% की ऑफ मिलती है। एंड जो रिवाइज प्राइस होते हैं आफ्टर यूजिंग माई रेफरल कोड Deba1, तो जो आपके रिवाइज अमाउंट है, यह है 1890-4725-8505 फॉर 6 months, 10395 फॉर 12 months, एंड फॉर 24 months, इट इज अराउंड 15120। मेरे जो रेफरल कोड हैं Deba1, ये कोई भी किसी भी एग्जाम के लिए आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप CSIR UGC की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर SSC या फिर UPSC, मेरे कोड हर एग्ज़ाम के लिए वैलिड है। इट इज़ वैलिड फॉर ऑल एग्जाम्स। सो आप अगर इंटरेस्टेड हो, तो यू कैन यूज़ माई रेफरल कोड टू गेट द 10% ऑफ, राइट? और हमारे जो प्राइसेस हाइक होने वाले हैं 25th दिसंबर से, जो हमारे प्राइसेस हैं वो क्या हो जाएगा, वो बूस्ट अप हो जाएंगे। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन पे इंटरेस्टेड हो, अगर आप CSIR या फिर कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप ज्वाइन कर सकते हो अभी, क्योंकि फ्रॉम 25th दिस मंथ हमारे प्राइसेस इंक्रीज होने वाले हैं, और आप मेरे कोड का यूज करके 10% ऑफ को यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट? ओके, अब मेरे वन मोर थिंग, आप मेरे कोड को यूज करके स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं, जो कि अन अकेडमी के प्लेटफॉर्म में मैं लाइव क्लास लेती हूँ, और आपको स्पेशल क्लासेस, लाइव क्लासेस बेसिकली मेरा होता है 8:30 PM में। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, राइट? और ये कोड मेरे आप स्पेशल क्लास के लिए भी यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये आपके 10% ऑफ भी आपको देगा फॉर ऑल एग्जाम्स। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर आप सब्सक्रिप्शन पे इंटरेस्टेड हो, तो अब अगर आपको प्रॉब्लम आती है सब्सक्रिप्शन में, तो आप मुझे प्लेटफॉर्म में मैसेज कर सकते हो। ओके, जो हम क्रोमैटोग्राफी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, ये क्या है? बेसिकली एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, जिसके थ्रू हम अपने हम क्या करते हैं, सैंपल से कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, और मिक्सचर से हम क्या करते हैं, सैंपल्स को, कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं। मान लो अगर ये कंपोनेंट है A, B, C, D, E, F, ये हमारा क्या है, ये हमारा सैंपल है, जिसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और इनमें से मुझे आपका एक कंपोनेंट चाहिए, जो कि मान लो मुझे ये सी वाला कंपोनेंट चाहिए। तो मैं इन सब से सी को कैसे एक्सट्रैक्ट करूंगी, विद द हेल्प ऑफ दिस क्रोमैटोग्राफी टेक्निक, राइट? तो हम इसको कह सकते हैं क्या,
ये यूज होते हैं, क्यों यूज होते हैं? फॉर सेपरेटिंग द डिजायर्ड कंपाउंड फ्रॉम द मिक्सचर. ये पूरे मिक्सचर थे राइट, उससे उस पूरे मिक्सचर से मुझे सी का आइसोलेशन करना है, तो आई विल बी यूजिंग दिस टेक्निक बिकॉज इट इज यूज टू सेपरेट द कंपोनेंट फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द कंपोनेंट्स राइट. तो यहाँ पे जो आपकी क्रोमैटोग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ पे दो फेजेस होते हैं, एक होता है आपका मोबाइल फेज, एक होता है आपका स्टेशनरी फेज. स्टेशनरी फेज क्या होते हैं, ये आपका फिक्स्ड होता है, लेकिन अगर हम मोबाइल फेज की बात करते हैं तो ये मूवमेंट शो करते हैं. तो ये हो गया आपका क्रोमैटोग्राफी का बेसिक कॉन्सेप्ट. अगर हम बात करते हैं आपका मोबाइल फेज का, तो मोबाइल फेज आपके लिक्विड भी हो सकते हैं एंड गैसेस भी हो सकते हैं. जो मोबाइल फेज है ये तो लिक्विड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, लेकिन जो आपके स्टेशनरी फेज होते हैं वो आपके हमेशा सॉलिड और लिक्विड होता है, ये गैसेस नहीं होते हैं. क्यों? क्योंकि गैसेस में मूवमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है. एंड मोबाइल फेज सॉलिड क्यों नहीं होते हैं, क्योंकि सॉलिड का मूवमेंट नेग्लिजिबल होते हैं कंपेयर टू लिक्विड एंड गैसेस राइट. तो इसीलिए हम क्या करते हैं, मोबाइल फेज में लिक्विड गैस को यूज करते हैं एंड स्टेशनरी फेज में हम यूज करते हैं सॉलिड एंड लिक्विड को. जो क्रोमैटोग्राफी का कॉन्सेप्ट है वो एक रशियन बॉटनिस्ट थे माइकल स्वेट, उन्होंने बेसिकली क्या किया था, जो टर्म था क्रोमैटोग्राफी उस टर्म को दिया था. किसने दिया था? जो आपका रशियन बॉटनिस्ट माइकल स्वेट, ही कॉइन्ड द टर्म. ये देखो आप, टर्म को उन्होंने दिया था. लेकिन जो आपका फर्स्ट एनालिटिकल यूज है क्रोमैटोग्राफी का वो क्या था, जेम्स एंड मर्टिन इन 1952. क्यों किया था? क्योंकि उनको एक फैटी एसिड मिक्सचर्स को सेपरेट करना था, सो दे यूज द क्रोमैटोग्राफी टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ द फैटी एसिड मिक्सचर्स राइट. तो हम इस टेक्निक के थ्रू, क्रोमैटोग्राफी के थ्रू, हम बहुत सारे कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं, जो कि आपके जिसका डिफरेंस होते हैं साइज में, बाइंडिंग एफिनिटीज में, चार्जेस में, अदर प्रॉपर्टीज, बहुत मतलब हम किसी भी कंपाउंड को सेपरेट कर सकते हैं जिनका साइज अलग अलग हो, जिनका चार्ज के बेसिस पे भी हम सेपरेट कर सकते हैं. हम क्रोमैटोग्राफी से कैसे कंपाउंड्स को सेपरेट कर सकते हैं, साइज के बेसिस पे, चार्ज के बेसिस पे राइट, बाइंडिंग एफिनिटीज के बेसिस पे राइट, तो बहुत एटसेट्रा. तो ये बेसिक हम यूज करते हैं टू सेपरेट द कंपोनेंट्स. ओके फाइन. It is a powerful tool that is used in all branches of science and is often the only means of separating components from the complex mixtures. So basically, ये एक बहुत important techniques है जिसको हम use करते हैं biological lab में to separate our desired compound from the mixture of compounds. अगर मैं principle की बात करूँ क्रोमैटोग्राफी का, तो principle में क्या ध्यान देना है, यहाँ पे दो phases होते हैं आपके, stationary phase and मोबाइल फेज. सो पूरा क्रोमैटोग्राफी का जितने भी टाइप्स हम देखेंगे, जितने भी हम डिफरेंसेस देखेंगे क्रोमैटोग्राफी के, डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, हर एक टाइप्स में आपको स्टेशनरी मोबाइल फेज मिलता है. पूरा प्रिंसिपल आपका बेस्ड है स्टेशनरी एंड मोबाइल फेजेस में राइट. तो अब हम देखते हैं आपके टाइप्स. बेसिकली अगर हम क्रोमैटोग्राफी आपका प्लेनर होता है एंड आपका क्या होता है, कॉलम क्रोमैटोग्राफी होता है, प्लेनर एंड कॉलम राइट. अगर हम प्लेनर में यूज करते हैं आपका नाइट्रोसेल्युलोस को, तो तब हम इसको बोलते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी राइट. और अगर हम क्या यूज करते हैं, अगर हम सिलिका यूज करते हैं, तो इस क्रोमैटोग्राफी को हम बोलते हैं थीन लेयर क्रोमैटोग्राफी. कॉलम भी आपका दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका ओपन, एक होता है आपका क्लोज्ड. अगर हम जो साइज एक्सक्लूजन क्रोमैटोग्राफी है, बेसिकली वो आपका क्लोज्ड कॉलम क्रोमैटोग्राफी का पार्ट होता है राइट. या फिर आप बोल सकते हो पैक्ड, क्लोज्ड या पैक्ड. अगर हम ओपन क्रोमैटोग्राफी की बात करते हैं, तो यहाँ पे आता है आयन एक्सचेंज, एफिनिटी, एब्जॉर्प्शन एंड लिक्विड लिक्विड क्रोमैटोग्राफी राइट. तो ये जो आपका पार्टीशन टेक्निक्स है, ये जो क्रोमैटोग्राफी का जो आपका मेथड्स है, ये आपके पार्टीशन है, एब्जॉर्प्शन, साइज एक्सक्लूशन,
एफिनिटी एंड आयन एक्सचेंज, ये सब टेक्निक्स है। जो पार्टीशन है ये बेसिकली लिक्विड लिक्विड क्रोमैटोग्राफी है, एचपीएलसी इसी के एक पार्ट है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको डिफाइन करती हूँ क्रोमैटोग्राफी को, ध्यान से सुनना, जो आपका क्रोमैटोग्राफी है बेसिकली ये क्या है, ये एक आपका प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, राइट? क्या है ये आपका, बेसिकली ये आपका एक प्यूरिफिकेशन टेक्निक है, राइट? इसमें आपके दो फेजेस होते हैं, एक होता है आपका स्टेशनरी फेज, राइट, जिसको हम एसपी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड एक होता है आपका मोबाइल फेज। अगर हम स्टेशनरी फेज की बात करते हैं तो यहाँ पे स्टेशनरी फेज में क्या क्या, कौन कौन से स्टेशनरी फेज में आते हैं, यहाँ पे आते हैं आपका सॉलिड एंड लिक्विड, राइट? अगर हम मोबाइल फेज की बात करते हैं, मोबाइल फेज में जनरली आपका लिक्विड और गैस हम यूज करते हैं, राइट? इज दिस क्लियर? अभी अब क्या होगा, अगर हम बात करते हैं आपका राइट, अगर मान लो मुझे एक एक कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे आपके बहुत सारे कंपाउंड है, सपोज इस कंपाउंड में बहुत सारे ए बी सी डी ई एफ, तो इस अगर मुझे सिर्फ सी वाला कंपाउंड हमारे डिजायर्ड है तो हम कैसे सेपरेट करेंगे, हम जो टेक्निक के थ्रू जो हमें सी मिलेगा, ये टेक्निक के थ्रू हम क्रोमैटोग्राफी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपना डिजायर्ड कंपाउंड को आइसोलेट कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट और यू कैन कॉल इट आइसोलेट द डिजायर्ड कंपाउंड, हम डिजायर्ड कंपाउंड को आइसोलेट कर सकते हैं फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द कंपाउंड्स, फ्रॉम द मिक्सचर of the from the mixture of the compounds, right? ये हो गया क्या आपका basic chromatography का part. Next हमने देखा था chromatography जो होते हैं basically आपके, अगर मैं chromatography की बात करूँ, types की बात करूँ, अगर मैं आपके types की बात करूँ तो chromatography जो होते हैं basically वो आपके दो तरह के होते हैं। कौन से दो तरह के, या तो आपका प्लेनर होता है या तो आपका होता है कॉलम, राइट? अगर हम प्लेनर की बात करते हैं तो अगर हम प्लेनर में, अगर मान लो हमने नाइट्रो सेलुलोज को यूज किया, नाइट्रो सेलुलोज भी यूज कर सकते हैं और हम सिलिका प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं, सिलिका प्लेट्स भी यूज कर सकते हैं। अगर हमने नाइट्रो सेल्यूलोज को यूज किया तो इस क्रोमैटोग्राफी को हम कौन सा क्रोमैटोग्राफी बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पेपर क्रोमैटोग्राफी, राइट? पेपर क्रोमैटोग्राफी। अगर हमने सिलिका प्लेट्स यूज किया इसको हम बोलते हैं टीएलसी, दैट इज थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी, राइट? अगर हम पैक्ड की, अगर हम कॉलम की बात करते हैं, ये भी आपके दो तरह के हो सकते हैं, या तो ओपन या तो आपका पैक्ड। अगर हम ओपन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो क्रोमैटोग्राफी के टेक्निक्स होते हैं, यहाँ पे कौन कौन सा टेक्निक्स होते हैं, यहाँ पे होता है आपका आयन एब्जॉर्प्शन, राइट? आयन एब्जॉर्प्शन और यू कैन से आयन एक्सचेंज, सॉरी मैंने यहाँ पे दो लिख लिया था, इट शुड बी आयन एक्सचेंज, राइट? यहाँ पे होगा क्या, आयन एक्सचेंज, देन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, थर्ड होगा आपका एफिनिटी, देन पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। अगर हम पैक्ड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो हम यूज करते हैं वो है बेसिकली आपका साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी, राइट? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम कॉलम पे फोकस करेंगे, कॉलम के हम एक एक चीज को यहाँ पे डिफाइन करेंगे। सबसे पहले मैं आपका डिफाइन करूंगी क्या, मैं सबसे पहले आपका डिफाइन करूंगी, ओके, कॉलम से जाने से पहले लेट मी टेल यू, दो चीज होते हैं, एक होता है आपका क्रोमैटोग्राफ और एक होता है आपका क्रोमैटोग्राफ
ग्राम, राइट। जो आपका क्रोमैटोग्राम होता है ये बेसिकली क्या होता है, ये होता है आपका ग्राफ। ग्राफ बेसिकली जैसे हम कोई कंपाउंड्स अगर हमने सेपरेट कर लिया तो जो ये ग्राफ होता है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटोग्राम। और क्रोमैटोग्राफ जो होता है बेसिकली ये आपका होता है इंस्ट्रूमेंट, राइट। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए ग्राम और ग्राफ क्या है। अभी अगर मैं आपको एक चीज यहाँ पे डिफाइन करूँ, अगर मान लो ये मैं सबसे पहले, मैंने पहले ही बोला है मैं इस क्लास में कॉलम की बात करूंगी, राइट। तो अगर हम मान लो मैंने यहाँ पे कॉलम ड्रॉ किया है, राइट, मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कैसे ये काम करते हैं, फिर हम टाइप्स में मूव ऑन करेंगे। तो बेसिकली ये आपका क्या है, ये आपका एक कॉलम है। अब यहाँ पे इस कॉलम में क्या होगा, आपके स्टेशनरी फेज रहेंगे। ये क्या है आपका, ये आप कह सकते हो ये क्या है, ये आपके हैं क्या, ये आपके हैं स्टेशनरी फेज। ये आपके हैं क्या, ये आपके हैं स्टेशनरी फेज, राइट। अब क्या होगा, जो मैं आपका यहाँ पे सैंपल को इनोकुलेट करूंगी, मान लो मैंने यहाँ पे एक सैंपल दिया, अब जो सैंपल होगा वो आपका अकेले मैं यहाँ पे पोर नहीं करूंगी, जो सैंपल होगा उसको मैं मिक्स करूंगी मोबाइल फेज के साथ, राइट। सैंपल और मोबाइल फेस को हम पोर करेंगे और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इल्यूवेंट, राइट। और जो बाहर निकलेगा इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इल्यूएट, राइट। क्लियर हुआ एवरीवन, क्या है कॉलम है, कॉलम में आपका स्टेशनरी फेज होते हैं, स्टेशनरी फेज में हम सैंपल, जो हमारे सैंपल होगा उसको हम मोबाइल फेज के साथ मिक्स करते हैं, फिर हम इसको स्टेशनरी कॉलम में पोर करते हैं। तो सैंपल और मोबाइल फेज को हम बोलते हैं इल्यूवेंट, फिर जो बाहर आते हैं उसको हम बोलते हैं इल्यूएट। अब अगर मैं इसको आपके मैकेनिज्म को थोड़ा सा इन डिटेल में बताऊं तो बेसिकली क्या होते हैं, ये होता है आपका कॉलम, राइट। ये क्या है आपका कॉलम। अब आपका क्या होगा, इसमें इस कॉलम में आपका बेसिकली स्टेशनरी फेज है, राइट। तो जैसे ही आपका सैंपल और मोबाइल फेज आएगा तो क्या करेंगे, ये जो सैंपल है ये इंटरैक्ट करेंगे किसके साथ, इंटरैक्ट करेंगे आपके स्टेशनरी फेज के साथ। और डिफरेंट सैंपल के डिफरेंट डिफरेंट, अगर मान लो सैंपल में है, मान लो अगर सैंपल में है ए बी सी डी ई है, तो आपका क्या होगा, ए का इंटरेक्शन टाइम अलग होगा, बी का इंटरेक्शन टाइम अलग होगा, सी का अलग होगा, डिपेंडिंग ऑन द अट्रैक्शन बिटवीन द सैंपल एंड द स्टेशनरी फेज, राइट। तो जितने टाइम तक, जितने ध्यान से सुनना, जितने टाइम तक सैंपल आपके स्टेशनरी फेज में रहेगा उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, उस टाइम को हम बोलते हैं रिटेंशन टाइम। रिटेंशन टाइम क्या है, समझ आया एवरीवन। जितने टाइम तक ये जो सैंपल ए बी सी डी है, ये सैंपल जब हम इसको पोर करेंगे, जितने टाइम तक ये मतलब द ड्यूरेशन थ्रू विच द सैंपल इंटरैक्ट विद स्टेशनरी फेज इज नोन एज द रिटेंशन टाइम, राइट। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? यस, फाइन। अभी हम बात करेंगे आपका क्या, कॉलम क्रोमैटोग्राफी का। ये बेसिकली कॉलम क्रोमैटोग्राफी ही था। इसमें हम अभी जो हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या होते हैं, मान लो ये आपका कॉलम है, राइट, और मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे ऑलरेडी स्टेशनरी फेज है और मैंने यहाँ पे आपका क्या डाला है, मैंने यहाँ पे डाला है इल्यूएंट, राइट। इल्यूएंट में क्या क्या है, आपका सैंपल है और आपका है मोबाइल फेज, राइट। सैंपल और मोबाइल फेज है, तो जो ये बाहर निकलेगा इसको हम बोलते हैं इल्यूएट। तो बेसिकली क्या होते हैं, अगर मान लो मैंने यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाती हूँ, अगर मैंने यहाँ पे ए बी सी डी ई डाला है, तो मान लो सबसे पहले कौन निकला, सबसे पहले निकला ए, मान लो ये फर्स्ट निकला, सेकेंड निकला आपका बी, सेकेंड निकला बी, थर्ड क्या निकला सी, राइट, फोर्थ क्या निकला डी, एंड जो आपका फिफ्थ है वो है आपका ई, राइट।
आप देखो हर एक सैंपल अलग अलग करके निकल रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन सैंपल का स्टेशनरी फेस के साथ इंटरैक्शन होता है, उस इंटरैक्शन के बेसिस पे ये मतलब बाहर आते हैं। मान लीजिए अगर मैं ए की बात करूं तो ए का इंटरैक्शन स्टेशनरी फेस से बहुत कम है, इसलिए जल्दी बाहर आ गए, राइट? अगर मैं बी की बात करूं, ए के कंपैरिजन में बी का स्टेशनरी फेस से इंटरैक्शन थोड़ा ज्यादा है, राइट? लेकिन फिर भी बी का इंटरैक्शन कम है सी से, तो ये पहले आ जाते हैं। सी का क्या होता है, इंटरैक्शन बहुत ज्यादा है स्टेशनरी फेस से कंपेयर टू ए एंड बी, तो ये थर्ड में आते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटरैक्शन बिटवीन द सैंपल एंड द स्टेशनरी फेस, राइट एवरीवन? और जो हमें जो हमारे डिजायर्ड सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा आपको लास्ट में मिलता है। तो अगर मैं यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करूँ, अगर मैं यहाँ पे ग्राफ को ड्रॉ करूँ तो सबसे पहले कौन सा आया? सबसे पहले आया ए, फिर क्या आया? फिर आया बी, फिर क्या आया? सी, फिर क्या आया? डी, फिर क्या आया आपका? ई। तो ये हो गया ई, और ये वाला हम लोग का क्या होता है? ये वाला होता है हम लोग का डिजायर कंपाउंड, क्लियर? ये ए बी सी डी ई, ये वाला होता है डिजायर्ड कंपाउंड। तो ये है बेसिकली आपका कॉलम क्रोमैटोग्राफी, राइट? अगर मैं यहाँ पे बात करूं साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी का, मैं बात करती हूँ साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी का, साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी, साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है? मान लो मैंने यहाँ पे आपके मान लो दिस इज ओके, ये आपका कॉलम है, राइट? और यहाँ पे क्या है आपका, हम साइज एक्सक्लूशन के केस में कुछ हम ऐसे बीड्स के यूज करते हैं, ऐसे छोटे छोटे बीड्स होते हैं, जो कि मैंने ये पहले ही बोला था साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी आपका पैक्ड क्रोमैटो पैक्ड कॉलम क्रोमैटोग्राफी में आते हैं। ये बेसिकली किसमें आते हैं? ये आते हैं आपका पैक्ड कॉलम क्रोमैटोग्राफी में, राइट? तो इसमें जो ये पैक्ड होते हैं, ये किससे पैक्ड होते हैं? ये पैक्ड होते हैं आपके बीट्स से, राइट? और ये जो बीट्स होते हैं, ये बीट्स आपके बनते हैं, जिससे ये बनते हैं इसको हम बोलते हैं सिफादेक्स, इसको हम बोलते हैं सिफादेक्स, राइट? सिफादेक्स के अलग अलग होते हैं, सिफादेक्स 50, सिफादेक्स 20, सिफादेक्स 40, राइट? अब क्या होगा, जो अब यहाँ पे हम सैंपल को डालेंगे अपना, राइट? यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डालेंगे सैंपल, राइट? सैंपल और आपका, हम यहाँ पे डालेंगे सैंपल एंड मोबाइल फेस को एक साथ हम यहाँ पे डालते हैं। तो अब क्या होगा, जो आपका साइज के अकॉर्डिंग, अब सैंपल में क्या होगा, साइज नाम से ही पता चल रहा है, साइज मतलब क्या होगा, सैंपल में आपके अलग अलग साइज प्रेजेंट होगा, एक बड़ा होगा, राइट? एक बहुत बड़ा होगा, एक छोटा होगा, एक उससे छोटा होगा, और ऐसा होगा, राइट? जब हम इस सैंपल को यहाँ से एंटर करेंगे तो जो सबसे पहले वाले सैंपल आते हैं वो बड़ा साइज सबसे पहले आते हैं, फर्स्ट कौन आते हैं? बिग साइज, ध्यान देना इसमें क्वेश्चंस आते हैं। सेकेंड उसके कम साइज वाला, राइट? थर्ड कौन सा आएगा? थर्ड आएगा उससे कम वाला, थर्ड। फोर्थ कौन सा आएगा आपका? फोर्थ आएगा उससे कम वाला, फोर्थ। एंड जो आपका फिफ्थ में आएगा वो क्या आएगा? वो बहुत छोटा वाला, बहुत छोटा वाला आपका आता है, राइट एवरीवन? तो ये बेसिकली आपका क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, ये है आपका साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी। Is this clear everyone? Size exclusion chromatography क्या है? तो सबसे पहले आएगा बड़ा साइज, फिर आएगा आपका छोटा, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये डिपेंड करते, ये जो साइज है आपका, ये साइज डिपेंड करते हैं कौन सा मोटा है, कौन सा पतला है, राइट? और ये इस तरह के एलिमिनेशन होगा, ये तब होगा जब पूरे कंपोनेंट्स आपके एक्सक्लूशन लिमिट के अंदर होता है। दिस is possible, this is possible, or this is applicable, आप बोल सकते हो, when
when the component is under exclusion limit. अगर ये exclusion limit के अंदर ही होगा तो ही ये possible है. अब exclusion limit क्या है, अगर मैं आपको exclusion limit समझाती हूँ. एक्सक्लूशन लिमिट का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला, क्या बोला मैंने आपको यहाँ पे, मैंने ये बोला कि अगर ये कोई कॉलम है तो यहाँ पे ये जो बीट्स होते हैं, ये जो बीट्स होते हैं, ये बीट्स किसके होते हैं, सॉरी, ये जो बीट्स होते हैं आपका, ये बीट्स होते हैं किसका, ये बीट्स होते हैं, बने हुए होते हैं सिफादेक्स का, सिफादेक्स का. मान लो मैंने सिफेडेक्स 50 यूज किया और मान लो सिफेडेक्स 50 का जो एक्सट्रैक्शन है, मान लो ये 80 mg वाले प्रोटीन को ही, 80 किलो डेल्टन वाले प्रोटीन को ही ये मान लो एलिमिनेट करते हैं. और अगर मेरे सैंपल में इफ मैंने अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने जो सैंपल डाला, मान लो मैंने यहाँ पे जो सैंपल डाला, उस सैंपल में आपका जो है 80 है, 40 है, 30 है, फिर आपका 100 है और 120 है. तो इन दैट केस क्या होगा, जो 80, 40, 30 है, ये 80 किलो डाल्टन वाले को ही सेपरेट करते हैं. और मेरे वाले केस में क्या है, आपका 30, 40, 80, ये तो आपके रेंज में ही आते हैं, राइट. लेकिन जो 100, 120 है, ये 80 से ज्यादा रेंज के हैं, तो ये एक्सक्लूशन लिमिट पे नहीं आते हैं. लेकिन 80, 40, 30 तो हम इसके साइज में ही आते हैं, तो इसको हम बोलेंगे क्या, इट इज विद इन द एक्सक्लूजन लिमिट, इट इज विद इन द एक्सक्लूजन लिमिट. लेकिन जो हम अगर हम इसकी बात करते हैं, ये तो लिमिट से ज्यादा हो गया, मोर देन द एक्सक्लूजन लिमिट, मोर देन एक्सक्लूजन लिमिट. तो इन दैट केस जो हमें ग्राफ मिलेगा वो इस तरह से मिलेगा. अगर मैं आपको ध्यान से दिखाऊं, जो हमें ग्राफ मिलेगा वो किस तरह से आपको मिलेगा, वो आपको मिलेगा इस तरह से. जस्ट अ मिनट. अगर मैंने 30 को, अगर मैंने यहाँ पे 30 लिखा है, अगर मैंने 30 को ए मार्क किया, बी मार्क किया, सी, डी, ई, राइट, कंफ्यूजन है यहाँ तक, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, सी एंड डी एक साथ आएगा, राइट. फिर आएगा आपका, सॉरी, डी एंड ई एक साथ आएगा, मैंने यहाँ पे गलत मार्क किया है, जो आपका डी एन ई है वह आपका एक साथ आएगा डी ई, क्योंकि उनका लिमिट 80 से ज्यादा है, मोर देन एक्सक्लूजन लिमिट है, तो वो एक साथ आएंगे. फिर आएगा क्या आपका सी, फिर बी, फिर ए. ए क्या है, स्मॉलर वाला, सबसे जो छोटा वाला होगा वो बाद में आएगा, और जो लास्ट में आते हैं, जो लास्ट में आते हैं वो ग्राफ में क्या होता है, ग्राफ में यहाँ आता है, राइट. क्लियर एवरीवन, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका कौन सा, ये हो गया साइज एक्सक्लूशन क्रोमैटोग्राफी. अब हम मूव ऑन करेंगे ओपन कॉलम क्रोमैटोग्राफी में. ओपन कॉलम क्रोमैटोग्राफी में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आपका आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी. ये बेसिकली आपका क्या है, ये बेसिकली आपका ओपन कॉलम क्रोमैटोग्राफी होता है, राइट. ये क्या है आपका, ओपन कॉलम क्रोमैटोग्राफी आपका होता है. तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी में जो सेपरेशन होता है, सेपरेशन जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे होते हैं, यहाँ पे चार्ज के बेसिस में होता है, राइट. अगर मान लो हमारे पास क्या होगा, सैंपल होगा, राइट, हमारे पास स्टेशनरी फेज होगा और हमारे पास मोबाइल फेज होता है. अगर मान लो हम लोगों को जो सैंपल है, अगर मान लो सैंपल पॉजिटिवली चार्ज है, सैंपल क्या है आपका, सैंपल है पॉजिटिवली चार्ज्ड, तो जो स्टेशनरी फेज होगा वो नेगेटिवली चार्ज्ड होना चाहिए, तभी दोनों को अट्रैक्शन होगा, राइट. अगर पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो रिपल्शन होगा. तो मोबाइल फेज को भी नेगेटिव होना है, क्योंकि हम सैंपल और मोबाइल फेज को मिक्स करेंगे, अगर सेम चार्ज के होंगे तो वो रिपेल करेंगे, राइट. तो इसलिए इन दोनों को ओपोजिट में होना जरूरी है. अगर हम नेगेटिव यूज करेंगे तो ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता है. पॉजिटिव जब सैंपल होगा तब हम इसको बोलते हैं कैटायन एक्सचेंज, राइट.
और अगर ये नेगेटिव होगा तब हम इसको बोलते हैं क्या, एनायन एक्सचेंज। क्लियर? कैटायन एक्सचेंज में क्या होगा, स्टेशनरी फेज नेगेटिव होगा एंड आपका मोबाइल फेज भी नेगेटिव होता है। एनायन एक्सचेंज में आपका दोनों पॉजिटिव होता है। क्लियर हुआ यहाँ तक? राइट। और यहाँ पे जो हम मोबाइल फेज यूज करते हैं कैटायन के केस में, अगर मान लो मैंने कैटायन फेज को डिफाइन किया है, जस्ट मैंने सैंपल क्या है आपका, सैंपल है पॉजिटिवली चार्ज्ड, राइट। तो यहाँ पे मोबाइल फेज नेगेटिवली होगा। नेगेटिवली चार्ज हम क्या यूज करेंगे, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज हम यूज कर सकते हैं, राइट। ये आपका नेगेटिवली चार्ज होता है। नेक्स्ट यहाँ पे मोबाइल फेज पॉजिटिव होगा। अगर मोबाइल फेज पॉजिटिव होगा तो हम यहाँ पे मटेरियल क्या यूज करेंगे, हम मटेरियल यहाँ पे यूज करेंगे अमोनियम ईथर, डायऑक्सीइथाइल अमोनियम ईथर, ये हम यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ एवरीवन? इसमें कोई डाउट है, यस और नो? क्लियर एवरीवन? वे ये मटेरियल्स हो गया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। अगर मान लो मैंने एक और यहाँ पे मुझे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको समझना है। बेसिकली आपका अगर हम प्रोटीन्स के बारे में बात करेंगे, जो प्रोटीन्स पीएच और आईपी के फॉर्म में, पीआई और पीएच के फॉर्म में दिया होता है, मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट और पीएच जो होता है आपका, वो तो आप लोग को पता ही है पीएच क्या है। अगर हम पीआई की बात करते हैं, बेसिकली ये आपका क्या है, पी आई, ये है आपका आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, राइट। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे ये लिख देती हूँ जस्ट अ मिनट। यहाँ पे ये जो होगा ये आपके मटेरियल्स जो यूज करते हैं स्टेशनरी फेज में, राइट। ओके, अभी क्या होगा आपका ध्यान से देखना, अगर मान लो जस्ट अ मिनट, अगर मान लो पीएच जो होता है वो आइसो इलेक्ट्रिक से इक्वल होता है, तो इन केस जो चार्ज होगा यहाँ पे, चार्ज क्या होगा, चार्ज जीरो होगा, राइट। अगर आपका पीआई ज्यादा होता है पीएच से तो ये क्या होगा, ये होगा आपका पॉजिटिव, राइट एवरीवन। और अगर मान लो आपका क्या है, अगर मान लो आपका पीआई कम होता है पीएच से तो ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। ये आपके इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर एवरीवन? तो अगर मान लो आपको एक अगर आपको यहाँ पे दिया है कि एक अमाइनो एसिड है जिसका पीएच है आपका पीएच, अमाइनो एसिड का पीएच दिया हुआ है 7 एंड आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया हुआ है आपका 3, तो आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे पीएच ज्यादा है आईपी 3 से। अगर पीएच ज्यादा होगा मतलब आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, कम है, सॉरी आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कम है, तो यहाँ पे चार्ज क्या होगा, चार्ज विल बी नेगेटिव। तो हम कौन सा क्रोमैटोग्राफी यूज करेंगे, आयन एक्सचेंज, एनायन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी को यूज करेंगे, राइट। दिस इज हाउ हम यहाँ पे यूज करते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? मैं आपको यहाँ पे एक और चीज दिखाती हूँ, जस्ट अ मिनट। अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाती हूँ, ओके, अगर मान लो मैंने यहाँ पे एक सैंपल, मान लो मैंने यहाँ पे एक ये है हम लोग का कॉलम, राइट, और यहाँ पे मान लो पॉजिटिव चार्ज है। अगर स्टेशनरी फेज पॉजिटिव चार्ज है तो सैंपल क्या हुआ, सैंपल होगा एनायन, राइट, एनायन होना चाहिए तभी ये पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर एनायन में भी बहुत सारे हो सकते हैं क्या, मान लो ए नेगेटिव, 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 बी नेगेटिव, नेगेटिव, सी नेगेटिव, डी जीरो, ई,
पॉजिटिव। तो पहला क्या होगा, आप पॉजिटिव देख रहे हो, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव जब बाइंड करेंगे इनका रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा आपका ई, राइट। फिर उसके बाद देखो ये बिल्कुल न्यूट्रल है, न्यूट्रल और ये न्यूट्रल, तो इनमें कोई इतना अट्रैक्शन नहीं होगा, तो ये इससे उसके ई के बाद निकलेगा डी। अगर आप ए बी सी देखोगे, सी में एक नेगेटिव चार्ज है कंपेयर टू बी एंड ए, तो सी इससे इसके डी के बाद आएगा सी। बी में देखो दो नेगेटिव चार्ज है, सी से ज्यादा है बट ए से कम है, तो इसके सी निकलने के बाद कौन सा आएगा, बी। और लास्ट में देखो ए में तीन नेगेटिव चार्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा, ए का एफिनिटी ज्यादा होगा, किसके किस लिए, किससे ज्यादा होगा, स्टेशनरी फेज से, तो ए आएगा लास्ट में। तो अगर हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, तो आपका ग्राफ जो होगा ये इस तरह से, जो हम लोग का ग्राफ होगा वो कैसे आएगा, वो आएगा इस तरह से, ई डी सी बी ए। ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का डिजायर्ड सैंपल है। क्लियर एवरीवन? यस, ये होता है आपका आयन एक्सचेंज क्रोमैटोग्राफी का कॉन्सेप्ट। क्लियर एवरीवन? यस, अगर ये क्लियर है तो हम नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, या तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं बता ही देती हूँ। एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, जो आपके एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी होते हैं, नाम से ही पता चलता है क्या इसका, इसमें हम डिसाइड करते हैं एफिनिटी के बारे में, किसके एफिनिटी, स्टेशनरी फेज एंड आपका किसका, सैंपल का। इसमें हम एफिनिटी किसके बारे में डिसाइड करेंगे, एफिनिटी किसका, स्टेशनरी फेज का एंड सैंपल का, राइट। यहाँ पे बेसिकली क्या होते हैं, हम जो हम एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी यूज करते हैं वो हम किसके लिए यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं बेसिकली किसके लिए, एंजाइम का एफिनिटी किसके लिए होता है, सबस्ट्रेट के लिए, राइट, सबस्ट्रेट के लिए। जो लिगेंड का एफिनिटी होता है वो किसके लिए होता है, लिगेंड का एफिनिटी होता है आपका किसके लिए, लिगेंड का एफिनिटी, यस, रिसेप्टर के लिए, राइट। उसी तरह से अगर हम देखते हैं आपका एंजाइम सबस्ट्रेट लिगेंड रिसेप्टर, फिर क्या होगा आपका एमआरएनए एंड टीआरएनए, राइट, एमआरएनए एंड डीटी। डीटी मतलब क्या, मैं भी आपको समझाती हूँ, इतना तक क्लियर हुआ, राइट। अगर मैं एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी को यहाँ समझाती हूँ, मान लो ये है कॉलम, राइट, ये क्या है, ये है आपका कॉलम। अगर मुझे यहाँ पे आरएनए को सेपरेट करना है, एमआरएनए को सेपरेट करना है किसी भी मिक्सचर से, मिक्सचर्स हैं यहाँ पे आरएनए का, और मुझे सेपरेट करना है एमआरएनए, तो यहाँ पे जो आपका स्टेशनरी फेज में जो आपका प्रेजेंट होगा, ये क्या प्रेजेंट होगा आपका स्टेशनरी फेज में, ये प्रेजेंट होता है आपका पॉली टी। यहाँ पे मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं बहुत सारे टी को अटैच्ड करवा दूंगी। टी टी का अटैचमेंट से क्या होगा, हमें पता है क्या, हमें ये पता है कि जो एमआरएनए होते हैं आपका, एमआरएनए में पॉली ए टेल होते हैं, पॉली ए टेल किधर प्रेजेंट होता है आपका, जो पॉली ए टेल होते हैं बेसिकली ये आपके प्रेजेंट होते हैं थ्री प्राइम एंड में, राइट। तो अब ए का एफिनिटी किसके साथ होते हैं, डबल बोन टी, तो यहाँ पे जितने भी ए होंगे वो यहाँ पे बाइंड हो जाएंगे, राइट, एमआरएनए के जो पॉली ए होगा वो यहाँ पे बाइंड हो जाएगा, राइट। और बाकी जो एमआरएनए होगा जिसके पास पॉली ए नहीं है वो बाहर निकल जाएंगे, और एमआरएनए पॉली टी के साथ बाइंड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा, बाकी एमआरएनए पहले आएगा लास्ट में, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ लास्ट में क्या होगा आपका, लास्ट में होगा एमआरएनए। क्लियर एवरीवन? क्योंकि इसका एफिनिटी या फिर अट्रैक्शन ज्यादा होगा स्टेशनरी फेज से, राइट, ये हो गया। इसके थ्रू हम क्या करते हैं, इसमें हम एंटीबॉडी और एंटीजेन को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी भी आप डाल सकते हो, यहाँ पे मैंने ए डाला, यहाँ पे आप एंटीबॉडी भी यूज कर सकते हो अगेंस्ट एंटीजेन, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी। नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी है आपका। अगर मैं एब्जॉर्प्शन
अगर मैं एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी की बात करूं, एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी की मैं बात करूं, एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी भी आपका सेम होता है। इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका एब्जॉर्प्शन होता है। क्या होता है एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी में, आपका यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है आपका सैंपल का, राइट। अगर मान लो ये मैंने यहाँ पे एक शीट रखा है, तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होगा वो मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स यहाँ पे अलग अलग तरीके के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे आपके एब्जॉर्ब होने लगेंगे, राइट। और अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, मान लो ये है ई बी सी डी ए, तो मान लो जो हमारे सी है ये डिजायर्ड है, राइट, ये हम लोग का डिजायर्ड है। तो मैं क्या करूंगी, एब्जॉर्प्शन में ऐसे कंपाउंड को यूज करूंगी स्टेशनरी फेज में जो कि आपके सी के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं प्रॉपर्टी के साथ। तो अगर मैं लास्ट में, तो डिजायर्ड कंपाउंड हमेशा आपका लास्ट में ही आते हैं, तो यहाँ पे जो ये कंपाउंड होगा सी, ये क्या होगा हम लोग का डिजायर्ड। तो आपने ध्यान दिया होगा डिजायर्ड सैंपल, राइट। तो आपने देखा होगा कि एब्जॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी या कोई भी क्रोमैटोग्राफी में जो बेसिक पार्ट होते हैं ये क्या होते हैं, आपका हम क्रोमैटोग्राफी में यूज करते हैं आपका स्टेशनरी एंड मोबाइल फेज, राइट। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। सैंपल को हम मोबाइल फेज में मिक्स करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलुवेंट, और जब ये बाहर एक्सट्रैक्ट होके आते हैं इसको हम बोलते हैं इलुवेट, राइट। अभी मैं एक और हम लोग का छूट गया है जिसको हम बोलते हैं पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी। अगर मैं पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी की बात करूं, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी में क्या होता है आपका, पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी में हम सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी। हम सब्सटेंस को कैसे सेपरेट करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोलैरिटी के बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को सेपरेट करते हैं। पोलैरिटी मतलब क्या, या तो ये पोलर हो सकते हैं या तो ये नॉन पोलर हो सकते हैं, राइट। अगर ये पोलर होते हैं तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और अगर ये नॉन पोलर है तब हम इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक, राइट। तो अगर हम पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी को देखते हैं, इसके दो फॉर्म होते हैं, टू फॉर्म्स, क्या, नॉर्मल एंड रिवर्स्ड, नॉर्मल एंड रिवर्स्ड, राइट। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल को लिखती हूँ, पहले मैं नॉर्मल को डिफाइन करूंगी, राइट। यहाँ पे भी आपका क्या होता है, नॉर्मल के केस में भी आपका क्या रहेगा, आपका रहेगा सैंपल, सैंपल स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज, राइट। तो नॉर्मल के केस में जो आपका मोबाइल फेज होते हैं, या आपका क्या होता है, जो मोबाइल फेज होते हैं नॉर्मल के केस में, ये होता है आपका नॉन पोलर, मतलब हाइड्रोफिलिक होता है, राइट। अगर नॉर्मल, आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है, नॉर्मल क्रोमैटोग्राफी में, नॉर्मल पार्टीशन क्रोमैटोग्राफी में जो आपका मोबाइल फेज होते हैं ये आपका क्या होता है, नॉन पोलर होता है। अगर आपका मोबाइल फेज नॉन पोलर होगा तो सैंपल क्या होगा, पोलर होगा, राइट। स्टेशनरी फेज क्या होगा, पोलर होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन। और अगर मैं मान लो, अगर मैंने क्या किया, रिवर्स क्रोमैटोग्राफी को मैंने डिफाइन किया, रिवर्स क्रोमैटोग्राफी इसके उल्टा होगा, मतलब सैंपल नॉन पोलर होगा, स्टेशनरी फेज भी नॉन पोलर होगा, और जो आपका मोबाइल फेज होगा वो पोलर होगा। अगर मैं इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखाऊं, अगर मैंने इसको ग्राफ के फॉर्म में दिखाया, ये है आपका ग्राफ, राइट। अगर मैंने इसको ड्रॉ किया आपका ए बी सी डी ई, और यहाँ पे भी मैंने ए बी सी डी ई एफ, अभी आपको यहाँ पे क्या डिफाइन करना है, यहाँ पे ये है नॉर्मल, ये है रिवर्स, राइट। जो अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, तो यहाँ पे आप, मैं पहले हाइड्रोफिलिक के बारे में बात करूंगी। हाइड्रोफिलिक मतलब
पोलर सब्सटेंस, पोलर, राइट? क्लियर एवरीवन? मैं यहाँ पे किसके पोलर की बात करूंगी, तो पोलर क्या होगा, ई, ई सबसे पोलर होगा, फिर होगा डी, फिर होगा सी, फिर होगा बी, फिर होगा ए। और अगर मैं हाइड्रोफोबिक की बात करूं, अगर मैं हाइड्रोफोबिक की बात करूं, तो ये क्या होगा आपका, ए होगा, बी, सी, डी, ई। क्लियर? क्योंकि नॉर्मल में क्या होता है, मैंने आपको बोला नॉर्मल में मोबाइल फेज जो होते हैं ये आपका क्या होता है, नॉर्मल में मोबाइल फेज नॉन पोलर होते हैं। अगर नॉन पोलर हुआ तो सैंपल क्या होगा, सैंपल होगा पोलर, और हमें पता है ग्राफ के अकॉर्डिंग जो लास्ट में आते हैं वो होगा पोलर। तो ई क्या हो गया आपका, ज्यादा पोलर हो गया, राइट? उसी तरह से अगर हम ये रिवर्स फेज के केस को सॉल्व करते हैं, रिवर्स फेज में हमें क्या पता है, जो आपका मोबाइल फेज होते हैं रिवर्स फेज में वो आपके पोलर होते हैं, राइट? तो सैंपल क्या होगा, सैंपल होगा आपका नॉन पोलर, सैंपल क्या होगा, नॉन पोलर। तो मैं अगर हाइड्रोफोबिक की बात करूं, हाइड्रोफोबिक की बात करूं, तो यहाँ पे सबसे पहले एफ होगा, एफ, फिर ई, फिर डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। और अगर मैं हाइड्रोफिलिक की बात करूं, पोलर की बात करूं, तो यहाँ पे क्या होगा, ए ग्रेटर देन बी, सी, डी, ई, एफ, राइट? तो यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है, जो आपका नॉर्मल क्रोमैटोग्राफी नॉर्मल फेज होता है वो हमेशा क्या होता है, रिवर्स फेज का ओपोजिट होता है। नॉर्मल फेज ओपोजिट होगा आपका रिवर्स फेज से, राइट? ये हो गया आपका बेसिक क्रोमैटोग्राफी। अगर आप ऐसे ही क्लास के लिए इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस विद द हेल्प ऑफ माय रेफरल कोड देबा वन। और आप अगर इंटरेस्टेड हो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में मेरे स्पेशल क्लासेस के लिए, तो आप मेरा रेफरल कोड देबा वन यूज करके मेरे स्पेशल क्लासेस में भी आप एनरोल हो सकते हो, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? आई होप कि आप लोगों को क्रोमैटोग्राफी समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड डू कमेंट, एंड थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। सी यू इन आवर अपकमिंग क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।